पार्टी ने उस बजट को बयावर की है, मुझे तो नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि ऑफिस की रोटी रोटी को तब रहा है। जो हालत आवाम की है वो आपके सामने रखता हूं, इस पर मैंने कमेंट करना नहीं चाहूंगा। नंबर दो, मेरा ये बात था कि फ्रेजर साहब ने आते ही बलुस्तान के लोगों से माफी मांगी। चार साल गुजर चुका है, बलुस्तान जल रहा है, बलुस्तान अरेबिकी की तरफ जा रहा है, बलुस्तान आज बैन अवी इशू बन चुका है। अमेरिकन जो कांग्रेस है उसमें डिस्कस हो रहा है बलुस्तान की, और हमने ये कहा कि हम बलुस्तान के इशू को मैं सॉल्व करूंगा। मुझे तो नजर नहीं आ रहा है कि आप एक कदम भी आगे बढ़े। दो महीना मैं देख तो बैठा रहा, फिर प्राइम मिनिस्टर ने सुबह सिखिलानी आके मीडिया के सामने आके उसने कहा कि इस इशू को मैं पार्टी के बुनियाद पर दूंगा। दो मरतबा मैं उसको याद जारी भी कर चुका था, मगर उस जो टच से पास हुई मेरा दूसरा सौ क्वेश्चन ये था जो तीसरा क्वेश्चन जो है वो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के काफिल हो सकता है। क्या पाकिस्तान की आवाम 18 करोड़ आवाम आप अपनी पार्टी की कारकुन समय मुझ समय ये पूछना चाह रहा है कि पूर्व मोहतरमा के काफिल कौन थे, किसने पसंद किए, कौन सी खाप खतरा फरमाते उसके पीछे। प्रेजर साहब आप खुद भी कहते हैं कि मुझे कातिल फिक्र बनता है, तो मुझे ये बताया जाए कि वो काफिल कौन है। मैं नहीं बल्कि सारे दुनिया पर चाह रही जिन बातें मेरे जो तमाम जमहूरी आईनी हक जो मुझे दिया गया है मैं उस बुनियाद पर पूछना चाह रहा, जो कि मुझे उन्होंने इजाजत नहीं दी। इसके मैंने इस कार्रवाई की जो है परिसर की जो मुस्तर के साथ मैंने बात की। नाजर शाह साहब, इसमें कोई बात ऐसी तो कहा कि हम तबाही के दहाने पे थे और इतनी तरक्की हो गई और सब कुछ हो गया, किसी बात से एग्री करती हैं आप जो बातें की है उन्होंने? ये तो आपकी शिकायत बजा, लेकिन किसी कोई बात यानी उन्होंने तो कहा है कि सब कुछ ठीक हो गया, बहुत अच्छा हो गया। अगर हम कहते हैं की बात करते हैं या कार्यक्रम की बात करते हैं, स्पीकर की बात करते हैं, स्पीकर की बात करते हैं, या हम बलुस्तान से किसकी बात करते हैं, इस हद तक तो ठीक है। आज मैं कर दू, मुझे आप ये बताते हैं कि आज मुल्क की सारे अदारे तबाह है। मुझे एक अदारा ऐसा पॉइंट आउट कर दे, आप पॉइंट आउट कर दें कि जो अदारा सही चलता हो, जिसमें करप्शन ना हो, जो कि आवाम की बेहबूद के लिए काम करे और आवाम के मसाइल हल हो। मुझे तो नजर नहीं आया पी आई ए तबाह है, रेलवे तबाह है, स्टील मिल तबाह है, कोई भी अदारा हो, लोगों के काम आप दे गए सिवाय सिफारिश के, सिवाय रिश्वत के। आप मेरे नाम कुछ नहीं है, मेरे तो हमने उठा के बोल मेरे सारे उसको बाहर नहीं किया।
होगी, खवातीन और जनाब हारून अख्तर साहब बैठे हैं, इम्तियाज गुल साहब, दीगर मेहमान भी शरीक होंगे। नासिर शाह साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक जाले, प्रॉपर जाले, एक बहुत अच्छे कारकुन, एक मुंतखब नुमाइंदे, वो बाइक आउट कर गए और उन्होंने जो बात की है आज वो आपने सबने सुनी, वो बाइक आउट करके चले गए। उन्होंने सवाल उठाए कि रोटी कपड़ा मकान कहां गया, बेनजीर भुट्टो के काफिल कहां गए और अदारों का क्या हाल होगा उनके, ये नासिर अली शाह साहब की कमेंट। इसलिए खसूसी ट्रांसमिशन जारी है हमारी, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। हमारे